आज ऐसा है कि आज गुढ़ में मतलब 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक एक महायज्ञ शुरू है, तो बहुत ही बढ़िया यज्ञ है और चित्रकूट से एक महाराज जी आए हुए हैं, तो चलते हैं वहाँ भी। अगर हमको चलना होगा तो आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि मैं क्या है थोड़ा सा इधर मार्केट साइड में थोड़ा ज़्यादा बिजी रह पाऊँगा, इस कारण से हो सकता है अगर जाना हुआ तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा वहाँ का सीन। सो गाइस, फिलहाल तो मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूँ अभी। मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, काम वगैरह देखते हैं। सो गाइस, ये बोर्ड भी लगा हुआ है, ये बड़ा सा बोर्ड यहाँ पर, ये गुढ़ से एंट्री के लिए है। वो एक मेन रोड है, उधर निकल जाते हैं जो कि सीधी चुरहट के लिए है। तो इस बोर्ड में लिखा हुआ है 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ है ये। और भाई, जो आपके महाराज जी आए हुए हैं 108, इनका नाम हम आपको बता देते हैं, 108 श्री सनकादिक जी महाराज चित्रकूट से आए हुए हैं ये। तो ये देखिए, ये है पूरा और ये है गुढ़ का एरिया अगल बगल। गाइज, अभी फिलहाल धान का सीजन चल रहा है, खरीफ की फसल लगी हुई है धान। और अभी मैं गाइज, इस समय भाई ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, मतलब मैं आ रहा था तो मतलब ठंड लग रही थी, मैं बैग आगे रखा तब जाके कुछ वो हुआ, हालांकि फिर भी थोड़ी सी ठंड तो लग ही रही थी, एक एक ठंड थोड़ा भी बढ़ गई है। तो गाइज चलिए चलते हैं, टीम का देखते हैं कहाँ क्या कर रही है काम, और अपना भी काम देखते हैं। तो चले चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं अंदर मार्केट में। तो हम लगाते हैं पहले अपने ग्लास। तो ये बताइए हमारा ये चश्मा कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। तो चलिए हम चलते हैं गुड़ की ओर। और गाइज, जैसे आज नौवा दिन है नवरात्रि का, तो भंडारे की भी तैयारियां जोरों से चल रही हैं, इधर पूड़ी वगैरह बनना शुरू हो चुकी है और ये इधर अपनी गाड़ी काम में भी लगी हुई है। सो गाइज, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को ज़रूर अगर मौका लगेगा तो दिखाऊंगा जो महायज्ञ चल रहा है गुढ़ में। तो गाइज ये देखिए, हम वहीं आ गए हैं कष्टहरनाथ मंदिर के पास, और ये है पीछे जो दृश्य है जो आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइज ये देखिए, ये है यज्ञ और बहुत ही बड़ा ये विशाल यहाँ पर ये बनाया गया है। तो देखिए आप लोगों को हम बैक कैमरे से दिखाते हैं, ये देखिए भाई कितना बड़ा है ये पूरा बना। तो अभी तो भीड़ ज़्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, शाम तक में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर। और हवन हमको लग रहा है स्टार्ट है, फिर सभी लोगों को आना जाना है। और इधर है गुढ़ की जो जानी मानी मंदिर और बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, ये कष्टहरनाथ मंदिर है। तो गाइज ये है पूरा दृश्य। सो गाइज आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर ये जो मंदिर है ना, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और फिलहाल इतना बढ़िया महायज्ञ हो रहा है तो उसके लिए तो लोग आएंगे ही। तो गाइज आप लोग भी आइए, 21 से 27 तक ये चलेगा महायज्ञ, और ठीक है गाइज, तो आप लोग भी आइए, प्रसाद पाइए। और हाँ, प्रतिदिन भंडारा भी आयोजित होता है। तो चलिए गाइज अब हम चलते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को टीम आई हुई है, तो टीम भी विजिट में है, हम भी विजिट में हैं। तो मैं बस इधर से निकल रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी ये चीज़ दिखा ही देते हैं। तो चलिए ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर आप लोगों से, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर कथा वाचन होती है शायद, यहाँ से भी एंट्री है और उधर साइड से भी, मंदिर के बगल से भी एंट्री हो सकती है, तो यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर कुटिया वगैरह भी बनी हुई है।
तो ये है गाइस मंदिर के चारों ओर का दृश्य। देख कितना शानदार बना हुआ, कितने बढ़िया स्थान है ये। तो चलिए आपको हम जो यज्ञ है तो दिखाते हैं। और ये देखिए ये यज्ञशाला, इसे यज्ञशाला बोलते हैं। ये चारों तरफ बहुत ही बड़ा बनाया गया क्योंकि 108 कुंडी यज्ञ है ना। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर कितने सारे यज्ञ बने हुए हैं। तो यज्ञ कुंड देखिए 108 टोटल ये बने हुए हैं। तो चारों तरफ फिलहाल यहाँ सभी चारों तरफ ये गोबर से लिपाई हो रही है। और अभी तो फिलहाल यज्ञ नहीं हो रहा, कुछ लोग उधर साइड ही तैयारी कर रहे हैं, पंडित जी लोग हैं। तो यहाँ पर आइए आप भी, बहुत ही अच्छा स्थान है। और हाँ, गुढ़ का जो प्रसिद्ध मंदिर है ही कष्टहरनाथ मंदिर, तो उसकी विशेषता तो है ही। साथ ही साथ ये यज्ञ करके बहुत ही ज़्यादा आप महत्व पा सकते हैं। साथ ही साथ उधर देखिए भंडारा चल रहा है, यहाँ हर दिन प्रसाद वितरण होता है। तो चारों तरफ यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इधर अब पंडाल वगैरह लगे हैं, आपको रुकने वगैरह की व्यवस्था है तो आप आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वो कुटिया बनी हुई है, उधर महाराज जी लोग का विश्राम गृह है, इधर विश्राम होता है। और भी बहुत सारे पंडित जी लोग आए हुए हैं, तो इसी प्रकार पंडाल बना हुआ है, वहाँ पर रुके हुए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये नेट भी लगा हुआ है, जाली भी, जिससे मच्छर वगैरह तंग ना करें। तो गाइज आप लोगों ने देखा, मतलब यज्ञ की शुरुआत जो है 21 से 27 तक की है। तो यही है गाइज, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। सो गाइज थैंक यू सो मच, आज का ब्लॉग यहीं। आई होप आप सभी को आज का यहीं तक का जो ब्लॉग है पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर। थैंक यू। और हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ।